हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा हेयर ऑयल जो आपके बालों को फिर से काला करने में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, एक बार ट्राई करके खुद देख लेना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कम उम्र में बालों का सफेद होना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। वजह कोई भी हो सकती है, स्ट्रेस लेना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना, जेनेटिक होना, या फिर बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना। इसलिए इसको अगर स्टार्टिंग में ही ट्रीट कर लें तो बाकी बाल भी ग्रे होने से बच जाएंगे और पिछले वाले भी ब्लैक हो जाएंगे। तो आइए इस ऑयल को बनाते हैं। पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा ब्लैक सेसमे सीड्स, जिसे हम काले तिल भी बोलते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों को ब्लैक करने में बहुत हेल्प करते हैं। स्टडीज से पता चला है इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो डैमेज सेल से फाइट करके हमारे बालों के मेलानिन को रिवाइव करते हैं। मैंने इनके 2 टेबलस्पून लेके ग्राइंड करके पाउडरी बना लिया है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा एक बोल भर के करी लीव्स। करी लीव्स भी हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखती है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। तीसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा आंवला। क्या मुझे आंवला के फायदे भी बताने पड़ेंगे? ये तो हम अपनी दादी नानी से सुनते आ रहे हैं, आंवला का तेल लगाओ बाल काले होंगे। मैंने यहाँ लिया है ड्राइड आंवला ताकि मेरा तेल थोड़े ज्यादा दिनों तक चल सके। वैसे आप फ्रेश आंवला भी ले सकते हैं, पर उसमें कुछ दिनों बाद फफूंद वगैरह लगने का डर रहता है। हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक टी। कोई मसाला टी वगैरह मत लीजिएगा, सिंपल ब्लैक टी लीजिएगा। दोस्तों, टी हमारे कोई भी स्कैल्प पर इरिटेशन होती है ना, तो उसको दूर करती है। स्कैल्प पे ब्लड फ्लो को लाके बालों को सॉफ्ट शाइनी बनाती है। इन सब का इन्फ्यूजन करने के लिए हमें जो ऑयल चाहिए होगा वो है कोल्ड प्रेस्ड वर्जन कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल पहले किसी हीट प्रोसेस में नहीं गया होता है, इसलिए इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आपके पास ये वाला ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल पैराशूट का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में इन करी लीव्स को डाल देंगे और उसमें लगभग 50-60 ml ऑफ कोकोनट ऑयल डाल देंगे। फिर हम इसे ग्राइंड करके इसकी एक चटनी बना लेंगे। अच्छे से इसको पीसने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का ये लगेगा। फिर हम एक लोहे की कढ़ाई लेके गरम करेंगे और उसको एकदम लो फ्लेम पर रख देंगे। इसमें हम डालेंगे लगभग 200 ml कोकोनट ऑयल। गैस एकदम लो फ्लेम पर ही रहने देंगे और फिर जो हमने वो करी लीव्स की चटनी बनाई थी ना, वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम बाकी अपने बचे हुए इंग्रेडिएंट्स एक एक करके इसमें डाल देंगे। फिर डालेंगे इसमें आंवला। मैंने आंवले को ना थोड़ा सा क्रश कर लिया था ताकि छोटे पीस होके ये इजिली इन्फ्यूज हो जाए ऑयल में। फिर इसमें डाला है 1 teaspoon चाय की पत्ती और जो 2 tablespoon सेसमे पाउडर बनाया था ना, वो भी इसमें डाल दिया। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में। दोस्तों, वक्त से पहले बालों का सफेद होना अक्सर खान पान का ध्यान ना रखने की वजह से होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कौन कौन से फूड्स आपके बालों को हेल्दी रखते हैं। ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, 10 मिनट तक इस ऑयल को हम ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे और फिर ऐसे ही कढ़ाई में इसको ठंडा होने तक के लिए रहने देंगे। 10 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो ये ठंडा हो चुका होगा और कुछ इस तरह का दिखेगा। जब ये ठंडा हो चुका होगा तो हम इसे एक कांच की बोतल में रख लेंगे। प्लास्टिक की बोतल में तो बिल्कुल मत रखिएगा, कांच की बोतल ही लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसको छाना तो है नहीं, इसको लगाएंगे कैसे? देखिए, अभी ये ऑयल पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, इसको आपको 1-2 दिन तक कम से कम धूप में रखना होगा। फिर इसको किसी कपड़े की हेल्प से या छन्नी की हेल्प से छान के आराम से यूज करिए। इसे आप रात में लगा के रख सकते हैं या तो नहाने के 1-2 घंटे पहले लगा लें और देखिएगा 1 महीने के अंदर ही आपके बाल फिर से काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट्स और जल्दी पाने के लिए मेरा बनाया हुआ कलौंजी हेयर मास्क भी ट्राई करिएगा और अपने बालों को हेल्दी, घने, लंबे बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।